तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाने वालों के समर्थन में उतरे मौलाना, बताया मासूम बच्चे। 12 वफ़ात के जुलूस में लगाए गए सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले आरोपियों के समर्थन में उतरे जनपद भर के मौलाना। शहर इमाम मौलाना सैयद मासूम अली आजाद की अगुवाई में नारा लगाने वालों को नासमझ बताकर SSP से की मुकदमा वापस लेने की मांग। शहर इमाम मौलाना सैयद मासूम अली आजाद सहित एक दर्जन मौलानाओं ने SSP से की है मुलाकात। 3 दिन पूर्व बिलारी में कोतवाली के नजदीक 12 वफ़ात के जुलूस में 4-5 मुस्लिम युवकों ने बाइक से लगाए थे सर तन से जुदा के नारे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलारी कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए भड़काऊ नारे लगाने वालों के खिलाफ ज्ञापन सौंप कराया था मुकदमा दर्ज। अब नारे लगाने वालों को मासूम बताकर मुकदमा वापस लेने की गई है मुहिम। क्या नाम है आपका? जी नाचीज को मौलाना हसन रजा के नाम से याद करते हैं। अच्छा, आप लोग आए शहर यहाँ पर आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं, क्या मसला है? आज हम शहर मुरादाबाद के शहर इमाम हजरत मौलाना सैयद मासूम अली साहब कबला की क़यादत में और हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहब की सरपरस्ती में उलमाए किराम का काफिला यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात करने के लिए आया है। इसकी वजह यह है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी 16 को गुजरा है आप तमाम को मालूम है, तो कुछ बच्चों ने नादानी में जिनको किस चीज़ का इल्म नहीं था कुछ नारे ऐसे लगा दिए जो वो कुछ लोगों की उससे दिल आज़ारी हुई। लिहाजा वो नारा तो उनके लिए नहीं था, वो किसी उसके लिए था जो भी गुस्ताख होता है, जिसने भी गुस्ताखी की किसी धार्मिक गुरु को किसी अवतार को अगर कोई बदतमीज़ बोलेगा तो वो लायक सज़ा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस नारे से एतराज़ होता है हम ये चाहते हैं कि उससे परहेज किया जाए, उससे बचा जाए। तो हमने अपने सारे लोगों से उन्हें भी ये ताकीद करी कि आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं होना चाहिए जिससे समाज में इंतशार हो या गलत कोई अफवाह फैले। तो हमारे हजरत सैयद मासूम अली साहब कबला की सरपरस्ती में आज हम आए और कप्तान साहब से हम मिले, बहुत तबीयत खुश हुई। कप्तान साहब ने हमें संतुष्ट किया और हमें ये उन्होंने नसीहत भी की और ये बताया कि अगर आप अपने कौम के बच्चों को नहीं समझाओगे तो आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो जलसे जुलूस में कह देते हैं, जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता भी नहीं है, जिन्हें खुद नहीं मालूम कि पैगम्बर कौन है, पैगम्बर का अखलाक क्या था, पैगम्बर ने मैसेज क्या दिया था। वो पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अमन अमान का पैगाम दिया है, हर एक से मोहब्बत का पैगाम दिया है। हाँ, तो जब ये एक मुकदमा दर्ज कर दिया था बच्चों के नारे देखने के बाद में वीडियो वायरल हुई, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वो नारे कुछ तोड़ मरोड़ के भी उसमें एडिटिंग किया गया है, वो नारा पूरा इस तरीके का नहीं था। बहरहाल जो भी था, अगर गलती है तो गलती का इकरार करना चाहिए, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और आइंदा अपने शहरों को जहाँ जहाँ से ये शहर इमाम सैंसपुर के हैं, आप यहाँ के हैं, कोई बिलारी के हैं, मतलब पूरे कई शहरों से लोग आए हुए हैं, हम अपने अपने शहरों में आइंदा अपने तमाम कौम के बच्चों को समझाएंगे कि कोई भी नारा गलत ना लगाया जाए और इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है हमने जो है इस सिलसिले में कप्तान साहब से बात की है और कप्तान साहब से हमने कहा है कि ये जो भी हुआ ये गुस्ताखी की जो ये नारा लगाया गया ये गलत लगाया है और आइंदा कोई नहीं लगाएगा, इसके लिए हम जिम्मेदारी भी लेते हैं, लोगों को पैगाम भी पहुंचाएंगे। और कप्तान साहब से मिलकर के बहुत तबीयत खुश हुई। ऐसा ही हमें हमको हाकिम चाहिए जो पूरे शहर और जिले के निज़ाम को सही संभाल सके। हम उनसे खुश हैं और इंशाल्लाह उन्होंने आश्वासन दिया है ये मुकदमा खत्म हो जाएगा।